नमस्कार, फाइटर लायनेट आर्मी वीलॉग इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत देश में महाराष्ट्र राज्य पुणे शहर और पीटी कवरे रोड इस जगह पर आए हुए हैं। और आज हम जिन व्यक्तियों का सत्कार करने वाले हैं, तो जो पहले व्यक्ति है उनका नाम है दादा साहब, और जो दूसरे व्यक्ति है उनका नाम है सम्माननीय रविंद्र तोमर जी। तो ये जो दोनों सम्माननीय व्यक्ति है, इनको इनसे मैं मिलने आया हूँ। अगर मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये समाज सेवा करते हैं, और जो जिनकी समाज सेवा करते हैं वो गरीब लोग हैं, जिनके पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना ओढ़ने के लिए चादर है। कितनी भी तकलीफ हो या दिक्कतों का सामना करते हो लोग, और उनके पैर में अगर चोट लगी है तो बिना कुछ सोचे दादा साहब जी उनकी मदद के लिए जाते हैं और उनकी वो मदद करते हैं। इस मदद कार्य के लिए उन्होंने जो अपना कार्यकाल शुरू किया ये बचपन से किया, क्योंकि बचपन में जब ये स्कूल में जाया करते थे और मान लो कि किसी बच्चे के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था तो ये अपने टिफिन से उनको खाना दिया करते थे। तो ये उनका जो सोशल वर्क का जो ये उनको बचपन से मिला है, और साथ ही साथ रविंद्र जी भी है, तो इनका भी बचपन ऐसे ही गुजरा है। और अभी जो दोनों भी है ये अपना कार्य जारी रखते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। इस कार्य के लिए ये किसी भी तरह का शुल्क चार्ज नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश जो है ये पहले से महान है, और ये महान इसलिए बने क्योंकि इसके लिए महान व्यक्तिमत्व और महान सोच की जरूरत है। और हम देख सकते हैं कि दादा साहब जी, जो सम्माननीय दादा साहब और सम्माननीय रविंद्र जी, ये दोनों भी ये कार्य बचपन से करते आ रहे हैं, और इन्होंने ना केवल किसी को खाना दिया है, लेकिन अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े लेकर देना है। और इनकी जो संस्था है ये सब अनाथ जो लोग हैं जो रास्ते पर होते हैं उनको ठीक करके अपने संस्था में वो रखते हैं। इनको कोई भी किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं है, लेकिन खुद के बलबूते पे ये काम कर रहे हैं, और ये पुण्य का काम है। पुण्य का काम सोचना ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये कर रहे हैं तो इसके लिए फाइटर लाइन आट आर्मी वीलॉग इस चैनल की ओर से मैं इनका सत्कार करने आया था। तो पहले तो मैं दादा साहब जी से पूछना चाहूँगा कि आपने ये कार्य कब से चालू किया सर? देखो, वैसा तो मैं मेरा कार्य जो है मैं बचपन से करता हूँ जी, जो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा। स्कूल के दशमी जब था, मैं विद्यार्थी जब था, तब से काम करता हूँ जी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ये कार्य आज एक दिन ऑटो रिक्शा हो जाएगा। अच्छा। बड़े पेड़ में हो जाएगा, ये नहीं लग रहा था कि किसी को भाई स्कूल के अंदर कोई आया है, उसको टिफिन नहीं है, ग्रुप में है, बाहर से है, तो हम उसको खाना खिला देते। घर के सामने अगर कोई आता था, खाना मांगता था, तो हमारे घर में से उसको हम खाना खिला देते। और फिर देखते देखते फिर हम सोचा भी नहीं था कि भाई हम ऐसा गर्म काम करेंगे आगे जी। और हम लोगों के गले में का तारीफ बनेंगे, ये हमें पता ही भी नहीं था। तो फिर उस नौकरी लग गई, नौकरी में भी हम हमारे टिफिन में से डब्बा सामने वालों को खिला देते, आधा हम खाते थे उसको आधा देते। एक करते 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 लॉकडाउन आ गए। लॉकडाउन में फिर कंपनी ने हमें कहा कि भाई तुम ये काम मत करो, कोरोना चालू है। उस टाइम पे हमारे घर में से 150 लोगों को खाना देता था, उसमें हमें टॉमर जी ने भी हमें खाना वहां से भेज देते थे। मेरे पास के 50-100 होते थे, इनके पास से 50-100 होते थे डब्बे, तो हम डेली 200-250 हम डब्बे बांटते थे। तो फिर कंपनी ने कहा कि भाई तुम ये मत काम करो, तो हमने बोला कि नहीं यार, लोगों को तो भूखा मर रहे। और उसमें अच्छे लोग भी हैं जो मजबूर में पड़े हुए हैं, लॉकडाउन है, और कुछ ऐसे ही पड़े हैं कि जो माँ बाप ने उनको बच्चे ने छोड़ के दिया है वो भी पड़े हैं। फिर लोगों को फिर हम खाना खिला देते। ये काम वैसा मैं बचपन से करके आया हूँ। जैसे कि आपने सुना कि दादा साहब जी ने क्या कहा, तो ये कार्य वो बचपन से कर रहे हैं। दोस्तों, जिस बचपन में हम अच्छा खाना खेलना और घूमना फिरना ये सीखते हैं, तो उस समय समाज सेवा करना
या अगर कोई सोचता है तो उस महान व्यक्ति को हम शर्म करते और हम तहे दिल से इनका आदर करते, क्योंकि इन्होंने बचपन से ये सीखा है कि समाज सेवा करनी चाहिए और ये काफ़ी अच्छी सोच है, अच्छी बात है कि ये कार्य कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करना है मित्रों फाइटर लाइन आर्मी चैनल व्लॉग इनकी तरफ से, लेकिन सिर्फ स्वागत करना ये इस पे बात खत्म नहीं होती, हमें आगे बढ़कर इन महान लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये खुद के बलबूते पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब ताकत बन जाए और इनकी मदद करें फाइनेंशियली, अगर मान लो आप कुछ खाना देना चाहेंगे, अन्नदान करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो। मैं इन दोनों का भी नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो अगर आपको अन्नदान करना है तो आप उनको कॉल करके उनके पास वो अन्नदान कर सकते हो, या तो अगर आप फाइनेंशियली गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो मैं इनका जो चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में इनका पूरा डिटेल दूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनकी जितनी मदद हो सके कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा है देश महान बनता है महान सोच और महान व्यक्तिमत्व के ओर से, और हमारे आज के जो महान व्यक्तिमत्व है वो है दादा साहब जी सम्माननीय और सम्माननीय रविंद्र तोमर जी, तो मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। तो अभी हम दादा साहब जी का सत्कार करेंगे, तो पहले ये मेडल पिलाऊंगा मैं उनको, ठीक है। और ये सम्मान चिन्ह देकर मैं उनका सत्कार करना चाहूंगा। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने उनका सत्कार किया है, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सत्कार है, ये काफी छोटी चीज है उनके लिए। अगर हमको कुछ करना है एक्चुअली उनके लिए, तो मैं उनका गूगल पे का नंबर और उनके चैनल का नाम है डोनेट आर्ट, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इनका गूगल पे का नंबर और इनका जो भी डिटेल्स है संस्था की मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि सब भारतीय लोग जो ये चैनल देख रहे हैं तो इनको मदद कीजिए, आप जहाँ है वहाँ से भी मदद कर सकते हो, इनका गूगल पे का नंबर मैं देने वाला हूँ। और देखिए ये मदद करने से क्या होगा कि वो जो पुण्य कर रहे हैं, इस पुण्य में अपना थोड़ा सा योगदान अगर हम देंगे तो पुण्य के भागीदार हम भी होंगे, या हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कोई भी देश जो है ये महान बनता है महान सोच से और महान व्यक्ति की वजह से, और आज के महान व्यक्ति मतलब है सम्माननीय दादा साहब, तो उनका मैं आदर करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक दो शब्द इस चैनल के बारे में आप कह सके तो काफी अच्छा होगा। मित्रों सर्वप्रथम मैं आपका सब लोगों का यहाँ पे शुक्रगुजार अदा करूंगा। दुनिया से है तो मैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों यहाँ आए, मुझे नहीं पता कि ये लोग कब आने वाले हैं, क्या है कि मुझे पता था इतना कि ये आने वाले हैं, तो अचानक ये मेरे पास आए तो बहुत खुशी हो गई। मित्रों तो उन्होंने मुझे ट्रॉफी दे दिया, सम्मान कर दिया, मेडल भी दे दिया, कि आज तक ट्रॉफी बहुत हो गई है लेकिन ये मेडल नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे मेडल भी दे दिया और मुझे क्या कर दिया, नईमुद्दीन इन्होंने मुझे कार्य की एक ऊर्जा दे दी है कि दादा अभी रुकना नहीं है, आपको मनोरुग्ण बेवारा सनातन जितने भी लोग हैं वो लोगों के लिए आपको काम करना है, जाओ उनको बचाओ, उनकी जान बचाओ, उनके घर तक पहुंचाओ, वो घर नहीं मिला तो उनका आश्रम में भेज दो, लेकिन दोबारा रोड के ऊपर मत उनको जीने दिया संधि दो, ये इन्होंने ये मुझे ऊर्जा दे दी। मित्रों तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये काम के लिए मुझे अकेले का काम नहीं है, हम सब मिलके उनका काम करना है, इसके लिए मुझे सरकार की ओर से कुछ भी मदद नहीं है, तो मैं आप दोनों लोगों के ऊपर से ही मैं ये काम करता हूं, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, दवाई खर्च करना, ये सब आपके वजह से करता हूं। मित्रों तो मैं आपको आपको फिर से मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप हमें मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुझे सेवा करने के लिए समझे। थैंक यू जी,
आपने हमारा सम्मान कर दिया, हमें बहुत सारी ऊर्जा दे दी है, अब ये ऊर्जा हमारे लिए बहुत काम के हो गए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की फ्री में सेवा करेंगे और फ्री में सब काम करेंगे सर। थैंक यू। सो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा इन्होंने क्या कहा है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनका जो चैनल है, अगर इसको आप सब्सक्राइब करते हो और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उनको कुछ मदद हो जाएगी पैसों की। और आपका इनका जो गूगल पे का नंबर मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो कृपया इनके जो संस्था है उसकी मदद कीजिए। आप मदद करोगे, आपको मदद का हाथ मिलेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है अकेला नहीं चलना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, और अगर हम एक ही से रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।